आज की जो इम्पॉर्टेंट टीचर्स टिप है वो बेसिकली है क्लासरूम मैनेजमेंट पे। जब भी हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो लोग कहते हैं क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वहाँ फर्नीचर कैसा होना चाहिए, वहाँ डिस्ट्रैक्शन कैसी है, लाइट कैसी है, वेंटिलेशन कैसी है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछें एक टीचर के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा डिसिप्लिन्ड हो, बच्चा बैठ के सही तरह से पूरी बात सुने, उसको समझ आए और आपका लेसन इफेक्टिवली डिलीवर हो सके, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिसिप्लिन, पनिशमेंट, रूल्स, पॉजिटिव स्ट्रोक, नेगेटिव स्ट्रोक, इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों को हमने इतना मिक्सअप किया होता है और हम खुद भी कन्फ्यूज होते हैं कई दफ़ा, और हम दूसरों को भी कन्फ्यूज कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है जब भी आपने क्लासरूम में जाना है वो ये है कि आपको रूल के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्लास के रूल्स क्या हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने उन रूल्स को अप्लाई कैसे करवाना है बच्चों से, मैंने उन बच्चों को रिमाइंडर कैसे देने हैं। आप हर दफ़ा के लिए दो रूल्स रख सकते हैं। टोटल आप समझ लें कि अगर आपने 5 या 8 रूल्स बनाए हुए हैं तो हर दफ़ा वो 5 या 8 रूल्स रिवाइज ना करवाएं। वो एक तो बच्चों के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। बच्चों को जब आप बार बार वो रिवाइज करवा रहे होते हैं, बच्चे ना एक किस्म का माइंड शट ऑफ कर लेते हैं। वो कहते हैं चलो जी टीचर अब दोबारा से रूल्स बताने लगी है। उसको बताने का तरीका आपने इफेक्टिव करना है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मसलन आपने एक रूल बना दिया है तो बाय लार्ज आपने उसको अप्लाई करवाना है। ये नहीं करना कि रूल बना दिया और उसके खिलाफ कोई काम हो रहा है। एक्सेप्शन टू द रूल हमेशा होगा, ये याद रखना है, लेकिन वो सारी क्लास के लिए नहीं होता। कभी कभार किसी बच्चे के लिए, किसी सिचुएशन के लिए आपका हो सकता है। मसलन आपका रूल है कि आपने टाइम पे आना है। अब आपको पता है कि एक बच्चा हमेशा टाइम पे आता है लेकिन आज वो लेट हो गया है, तो अब आप उसको इग्नोर करेंगी, उसको नहीं एकदम से वहां खड़ा करके कहेंगी बिकॉज माई रूल इज एवरी वन हैज टू बी पंक्चुअल तो आप क्यों लेट आए। आप उसको बाद में जरूर पूछ सकती कि वाई आर यू लेट ना, आई वॉज कंसर्न। तो वो बच्चा आपको बता सकता है कोई भी बात और आप उसको हल्का सा वार्न कर सकती हैं। वैसे तो बेसिकली आपका पूछना एक किस्म की वार्निंग होती है। फर्म होना है रूल्स के मामले में और बिल्कुल फेयर होना है, चाहे आपका रिश्तेदार है उसमें, चाहे आपका फेवरेट स्टूडेंट है। जब आपने रूल्स बना लिए हुए और आपने रूल्स को अप्लाई करवाना बच्चों से शुरू करवा दिया हुआ है, अब आपने देखना है कि बच्चों को मैंने डिसिप्लिन कैसे करना है। अब आपका दूसरा स्टेप आता है। दूसरा स्टेप क्या आता है कि आपने बच्चे की तारीफ करनी है। क्योंकि अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है रूल को, बच्चा वो काम कर रहा है जो आप उसे करवाना चाह रही हैं, लेकिन उसको कोई तारीफ नहीं मिल रही, उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, वो डिसिप्लिन नहीं होगा। आपने ओवरबोर्ड नहीं होना, यानी कई दफा हम तारीफ में भी इतना मुबालगा करते हैं, इतनी एग्जैजुरेशन करते हैं कि वो बच्चे को भी समझ आ जाती है कि टीचर जो है ना पता नहीं क्या काम कर रही है। ऐसे नहीं, इफ यू आर हैप्पी, आपके एक्सप्रेशन से बच्चों को पता चल सकता है कि आप उनकी इस पूरी एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा खुश हैं। आप कोई डिस्प्ले उनसे करवा सकती हैं, आप उनको बता सकती हैं यूर फीलिंग लाइक अ प्राउड टीचर, आपको ये बात अच्छी लग रही है जो भी वो एक्टिविटी क्लास में कर रहे हैं। छोटे बच्चे आप उनको स्टार्स दे सकती हैं, उनसे कोई ऐसी एक्टिविटी करवा सकती हैं कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, सारी क्लास को अब आप बताएं। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि बच्चे को रिवॉर्ड्स किस किस्म के दिए जा सकते हैं। सिंपली बच्चे को थैंक यू बोलना, जजाकल्ला बोलना, बच्चे को कभी आपने स्टिकर्स दे दिए, बच्चे को कोई सर्टिफिकेट की शक्ल में कोई चीज दे दी, कोई प्रिविलेज दे दी, इसी से बच्चे को समझ आ जाती है कि आई एम वेलकम इन द क्लास। टीचर पसंद करती है और बच्चा जितना सेटल होता है उतना ज्यादा वो पढ़ना चाहता है। एक स्टडी में था कि पूछा गया टीचर से कि आपका क्या ख्याल है कि जब आप एक क्लासरूम में जाती हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, फौरन पढ़ाना शुरू करना चाहिए या पहले डिसिप्लिन करना चाहिए? तो आपका क्या ख्याल है, मेजॉरिटी का क्या जवाब था? पहले डिसिप्लिन करना चाहिए। ये जवाब गलत है कि पहले डिसिप्लिन किया जाए। अगर आप इफेक्टिव तरीके से बैठते साथ ही पढ़ाना शुरू कर देंगी तो आपके बच्चे जल्दी डिसिप्लिन होंगे। जो टीचर सारा वक्त क्लास में बच्चों को लेक्चर देती रहती हैं, बच्चों को बताती रहती हैं उनके क्या एरर्स हैं, या बार बार कहती हैं सेटल डाउन, सिट डाउन, वो बच्चे कभी नहीं सेटल होते। जैसे हमारी क्लासेस में आप देखें, बड़ी टिपिकल एग्जांपल है नमाज की। अगर आपने नमाज के लिए खड़ा किया, बच्चों को रूल बताया
और उसके बाद अल्लाह अकबर बोल के नमाज शुरू कर दी, बच्चे जल्दी सेटल होते हैं। लेकिन अगर आप कह रही हैं एक सफ देखूं फिर दूसरी सफ देखूं, जब तक आप तीसरी सफ पे पहुंचते हैं पहली सफ जो है वो खराब हो जाती है। आपने डिसिप्लिन पे अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना, डिसिप्लिन आपका बड़ा नेचुरल अंदाज से आएगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप कैसे असेस करेंगी कि यहां आपने रूल बताना है, यहां नेगेटिव स्ट्रोक हो गई है, यहां आप पॉजिटिव स्ट्रोक दे रही हैं, यहां आपने डिसिप्लिन किया है, यहां आपने गलत बात कर दी है मसलन पनिश कर दिया है, ये आपको असेसमेंट कैसे होगी? अगर आप थोड़ा सा अपने लिए प्रिंसिपल बना लें, बच्चा कुछ भी कर रहा है सबसे पहले देखें कि जो रूल था नियर फ्यूचर में बच्चे को रूल का रिमाइंडर मिला है कि नहीं मिला है, तो सबसे पहले आप रूल बताएंगी। मसलन आपने कहा चिल्ड्रन इट्स स्टडी टाइम वी आर क्वाइट, बच्चों जब लेसन टाइम होता है हम खामोशी से बैठ के सुनते हैं। जब आप ऐसे बोल रही हैं तो क्या है ये नेगेटिव स्ट्रोक है, ये रूल मेकिंग है, ये रूल रिमाइंडर है, ये नेगेटिव स्ट्रोक नहीं है। बहुत से लोग फौरन एक दूसरे को कह देते हैं कि आपने तो नेगेटिव स्ट्रोक दे दी, आप रूल का रिमाइंडर दे रहे हैं। क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं, अब आप उस वक्त सोच रही हैं कैसे तारीफ करूं कैसे इनको चुप करवाऊं, तो क्या करेंगी आप फौरन सोचेंगी रूल का रिमाइंडर दे दूं। तो रूल का रिमाइंडर आप कैसे देंगी, साइलेंस। आपने किसी को फिंगर पॉइंट नहीं किया, कोई लेक्चर नहीं दिया, तंग नहीं किया, तेवरियां नहीं चढ़ाई, गुस्से से बात नहीं की, बिल्कुल फर्म टोन में आपने अपना रूल जो था वो बोल दिया। अब बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ चीजें आपको एनॉय कर रही होंगी, इरिटेट कर रही होंगी बच्चों की, जो बच्चे सही तरह से नहीं कर रहे। अब आपको जो चीज इरिटेट कर रही है आपने फौरन अपनी सारी क्लास की तरफ नजर डालनी है और देखना है कि कौन सा बच्चा है जो वो काम कर रहा है जो मुझे इरिटेट नहीं कर रहा, इसका ऑपोजिट कर। मसलन एक बच्चा हिलता जा रहा है, अब आप उससे बहुत इरिटेट हो रही हैं, आप चाह रही हैं इसको सीधा बिठाऊं, अब आप सोचें कि अब मैं क्या करूं। अगर आप उसको डायरेक्टली रोकती हैं तो वो आपकी नेगेटिव स्ट्रोक हो जाएगी, आप उसे नेगेटिव अटेंशन देंगी, उसका बिहेवियर ज्यादा होगा। आप फौरन देखेंगे ग्रुप में कौन सा बच्चा आराम से बैठा है, कैसे सब बच्चों को बताएंगी कि ये तरीका है बैठने का, कंपेयर नहीं करेंगी। हम कई दफा क्या बोलते हैं, देखो अहमद कितनी अच्छी तरह से बैठा हुआ है, अगर अब्दुल्ला भी ऐसे ही बैठ जाए तो मैं इसको स्टार दूंगी। जब आपने ऐसा जुमला बोला तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप उसको बता रही हैं अब्दुल्ला को कि तुम अच्छी तरह नहीं बैठे हुए और उसका बिहेवियर कभी ठीक नहीं होगा। कई दफा टीचर्स कहती हैं मैं बड़े प्यार से समझाती हूँ, मैंने उसको प्यार से बताया, मैंने उसे ये भी कहा मैं तुम्हें स्टार दूंगी, लेकिन आपने कंपेरिजन में उसको ये बात की, आपने सिंपल अहमद की तारीफ करनी है। किस तरह से करनी है ये भी नहीं करना लेसन रोक के, आप लेसन पढ़ा रही हैं, सिराते मुस्तकीम है और हमने सिराते मुस्तकीम पे रहना है। जैसे अहमद को देखें, अहमद को देखें क्लास में कितनी अच्छी तरह बैठे हुए हैं। जो बच्चा क्लास में अच्छी तरह बैठता है, जो अल्लाह की बात सुनता है, उसका फिर दिल भी चाहेगा कि वो अच्छे तरीके से वैसे काम करे, उसके लिए सिराते मुस्तकीम पे चलना कितना आसान हो जाएगा। अब वो बच्चा इतना खुश हो जाएगा कि मैं बैठा हुआ हूं मेरी बात सुनी जा रही है, आप फौरन नोट करेंगे बाकी बच्चे जो है वो सेटल होके बैठना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है फिर भी कोई एक या दो बच्चे ऐसे हों अब जो वो सेटल नहीं हो रहे, अब आपने नेक्स्ट क्लास में आके किसी एक ऐसे रूल का रिमाइंडर ज्यादा देना। लेकिन ये याद रखिएगा डिसिप्लिन करते हुए हमने ये जरूर देखना होता है कि मेरा लेसन कितना इफेक्टिव है। जितना आपका लेसन इफेक्टिव होगा उतनी जल्दी आपके बच्चे डिसिप्लिन होंगे। इसी तरह से कुछ लोग इतना ज्यादा ओवरडू कर देते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक्स को कि वो इनइफेक्टिव हो जाता है। वो बच्चों को जैसे रिश्वत नहीं होती कि उनको वो पॉजिटिव स्ट्रोक मिलेगी तो उन्होंने काम करना है। देखिए कई दफा लफ्ज नहीं होते, सिर्फ आपका आई कॉन्टेक्ट एक पॉजिटिव स्ट्रोक है, सिर्फ मुस्कुराना, कंधे पे हाथ लगा देना, चलते चलते उनको कोई काम में हेल्प कर देना, ये चीजें बच्चों को जेल होने में हेल्प देती हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आप बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जब वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे जब आप इंडिविजुअल बच्चों के पास जा रही हैं तो उसको स्पेशल एक पैट दे दी, उसको शाबाश दे दी, उसको समझ आ जाती है कि मेरी टीचर मुझसे खुश है। इसी तरह से अगर कोई बच्चा आपको बहुत तंग कर रहा है तो आप उसको अलग से ले जाके बॉन्ड कर सकती हैं, उसका हाथ पकड़ के अलग से एक तरफ लेके गई, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखी, उसके लेवल पे आए, उसका नाम लिया, उसको कहा लुक इन टू माई आईज। वो आई कॉन्टेक्ट नहीं करता जिस बच्चे ने गड़बड़ की होती है,
और जब वो बच्चा देखेगा फिर आप उसको बताएंगी आपने ये काम ऐसे नहीं करना। आप उससे पूछ भी सकती हैं कि कोई चीज आपको बॉदर कर रही है क्लास में। कई दफा बच्चा पहले ही बता देगा मैं बोर हो रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे एक बच्चा तंग कर रहा है, टीचर मेरी बात नहीं सुन रही। टीचर को भी गाइड कर सकते हैं या टीचर खुद सोच सकती है कि अच्छा हाँ भाई कोई मसला है, बच्चे को बॉदर कर रहा है। लेकिन अगर बच्चा कुछ भी नहीं, टीचर कुछ भी नहीं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप ये बिहेवियर एक्सपेक्ट करती हैं। आप ये नहीं कहेंगी आप तो ये करते हैं, ये तो गंदे बच्चे करते हैं, आप तो गुड बॉय हैं, आप तो बैड बॉय नहीं है, ऐसी बातें नहीं करनी होती। आपने उसको देख के एक्सपेक्टेड बिहेवियर बताना होता है। लेकिन जब आप बच्चे को क्लास से उठा देते हैं तो बताते खुद ही उसकी बेइज्जती नहीं होगी? क्लास से उठाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं करते कि सारी क्लास हो रही है उस वक्त आपने उठा के ले गए, क्लास के एंड में आप किसी एक बच्चे को रोक लेते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है। अगर क्लास में बच्चा बहुत ज्यादा कर रहा है और टीचर आपसे कह रही है कि आप इन्हें देखें, क्या करें फिर उस वक्त? क्या करें? आप टीचर को ही डिसिप्लिन टेक्निक सिखाएंगी, आप खुद वहां बैठ के ऑब्जर्व करेंगी। सबसे पहली चीज आप देखेंगी टीचर लेसन सही ले रही है। अगर टीचर के लेसन में कमी है तो आप अगली दफा के लिए टीचर को बताएंगी कि आपका लेसन इफेक्टिव नहीं था। और देखिए किसी टीचर को माइंड नहीं करना चाहिए कि जी ये क्या बात हुई, मुझे ये कह रही है, मैं तो इतनी तैयारी करके आई हूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं थी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी बच्चों को, आपने कोई एक्टिविटी नहीं उनको वो कराई जो करवानी चाहिए थी, आपने डिस्कस नहीं किया। कितनी चीजें हो सकती हैं बीच में ना। कुछ टीचर्स लेसन सामने रखती हैं, बार बार उसको देखती हैं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर। एक बच्चा अल्लाह ने हमारे पास भेजा है तो हमारा काम है कि उसके साथ पूरी एफर्ट डालें। क्योंकि जब हम उनको उस चीज पे शाबाश नहीं देते जो वो कर रहे होते हैं तो वो री इन्फोर्स नहीं होता, वो इफेक्टिव नहीं रहता। कभी ऐसा होता है कि आपको अपने बच्चों का बताएं कि वो किस तरह के हैं, कितनी देर बैठ सकते हैं या क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब उनमें से वो बच्चे 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद मैक्सिमम टाइम बैठ रहे हैं और भाग नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे। लेकिन जो बाहर से आ रहा है बंदा, अगर उस वक्त वो बच्चा भाग दौड़ रहा है तो वो आपको पॉइंट आउट ऑब्वियसली करेगा कि आपके क्लास में बच्चे बैठे नहीं थे। इट डजंट मैटर। आपकी बेसिक असेसमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि वो बच्चा कितना सुनता है, कैसे सुनता है, क्या करता है। फिर आपके लिए बाकी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको कोई अगर इश्यू नहीं है और वही बात है कि बच्चे की लर्निंग आपको लगता है सही हो रही है तो गिव द चाइल्ड टाइम। जैसे क्लास के शुरू में जब रूल्स बता रहे हैं उसमें एक्सपेक्टेशंस बताएं, एक्सपेक्टेशंस से बच्चे इतने कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ, गुड बिहेवियर डिजायर्ड बिहेवियर को आप बताएं। गूगल आप सबके पास है, आप क्यों वेट करते हैं कोई हलवे की शक्ल में वो सोल्यूशन मिल जाए और मैं फिर उसको फॉलो करूं? फौरन नेट पे जाके गूगल किया करें, आप देखा करें कि ये मसला है, ऐसा चाइल्ड है, इसको क्या कर सकते हैं।